हेलो फ्रेंड्स, आई मधु सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं राम जी की मूर्ति बनाऊंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पहले पैर का शेप देंगे, आगे करके थोड़ा थोड़ा। पहले हम नीचे का ही पैर बना लेते हैं। अब हम ऊपर का बॉडी बनाएंगे। बॉडी के लिए मिट्टी लगाएंगे। इसको ऐड करने के किसी स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे ही हम पानी थोड़ा हल्का लगा के उसको चिपका देंगे। ज़्यादा पानी भी नहीं लगाएंगे, नहीं तो मिट्टी गीला हो जाएगा ज़्यादा, तो मूर्ति गिरने का डर रहेगा। हम पैर का शेप दे रहे हैं। हाथ के लिए थोड़ा सा मिट्टी लगा देंगे साइड से, ताकि बाद में मिट्टी सूख जाएगा, चिपकेगा नहीं ऐसे। हम बॉडी का शेप देंगे धीरे धीरे, एक एक कर बॉडी का शेप देंगे, एक एक करके मिट्टी थोड़ा थोड़ा लगा लगा के। मिट्टी गीला है इसलिए हाथ चिपक नहीं रहा अच्छे से। बॉडी का शेप दे रहे हैं, देखिए हाथ गिर जा रहा है बार बार, मिट्टी थोड़ा गीला हो गया है, इसको बाद में चिपका देंगे। पेट का शेप दे रहे हैं। ये टूल्स है, टूल्स की मदद से थोड़ा सा हम लाइनिंग लाइनिंग कर देंगे, सो कट करेंगे जो बॉडी एक्स्ट्रा जो है मिट्टी उसको हम कट करेंगे। पीछे से मिट्टी निकाल लेंगे। ये जो हम लोग धोती बनाएंगे, मिट्टी लगा रहा है, धोती का शेप देंगे थोड़ा थोड़ा मिट्टी लगा लगा के। थोड़ा थोड़ा करके टूल्स की मदद से इसको हम चिकना करेंगे। थोड़ा थोड़ा मिला के इसे चून बनाएंगे धोती का, थोड़ा थोड़ा मिट्टी लगा लगा के। इसे हाथ चिपकाएंगे। फेस का पहले देख ले रहे हैं कितना बड़ा फेस आएगा उसमें, फिर हम फेस का डिटेलिंग करेंगे। देखिए पहले लाइनिंग कर लेते हैं आँख के लिए और नाक सबका। आई के लिए हम दोनों हाथ से उसको गड्ढा करेंगे थोड़ा सा, फिर उसका मिट्टी लगा के पहले शेप देंगे। थोड़ा सा दो नोज बनाएंगे। ये थोड़ा सा मिट्टी लगा के उसको शेप देंगे टूल्स की मदद से। थोड़ा थोड़ा पानी लगा के देखिए टूट जा रहा है। हम गाल को बनाएंगे थोड़ा सा मिट्टी लगा के। लिप बनाने के लिए थोड़ा सा मिट्टी लगाएंगे टूल्स की मदद से, इसको डिटेलिंग करेंगे। अगर आपके पास ये टूल्स नहीं है तो आप घर पे बना सकते हैं। मैंने ये घर पे खुद से बनाया है। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, इसमें बता दूंगी कैसे बनाया जाता है। हम बाल बनाएंगे। मुकुट बनाने के लिए मिट्टी लगा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे। नीचे बाल का शेप दे रहे हैं।
कर लेंगे थोड़ा सा, डेकोरेट कर देंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। इसको ब्रश के मदद से थोड़ा सा चिकना करेंगे। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग करेंगे उसको चून को। अब हम मूर्ति को सूखने देंगे, फिर इसको कलर करेंगे। कम से कम 12-13 घंटे के लिए छोड़ देंगे मूर्ति को। चलिए मिलते हैं। देखिए ये 12 घंटे के बाद का अपडेट है, मूर्ति पूरी तरह सूख गया है। अब हम इसको कलर करेंगे। देखिए कलर करने के लिए हम एक्रेलिक कलर लिए हैं, वाइट कलर से पहले पूरे कलर करेंगे। इसमें थोड़ा सा मीडियम मिला देंगे, पहले वाइट कलर से पूरा मूर्ति को कलर करेंगे। अब स्किन को कलर करेंगे। जहाँ जहाँ स्किन दिख रहा है बस वहीं पे कलर होगा। पतला वाला ब्रश से करेंगे, येलो कलर का धोती कलर करेंगे। अब हम फेस को डिटेलिंग करेंगे। पहले आई को बना रहे हैं ब्लैक कलर से, फिर से व्हाइट कलर से पूरा अंदर भर देंगे उसको। लिप को थोड़ा हल्का पिंक कलर से कलर करेंगे। हम बाल को कलर कर रहे हैं।
सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में जरूर बताएं। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।